दोस्तों हमारे इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को हिलाते हैं तो हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है। आप देखिएगा। देखिएगा गाड़ी बंद हो गई है। उसके बाद जब तक चाबी को दोबारा ऑन ऑफ नहीं करोगे स्टार्ट नहीं होती है। साथ के साथ अगर हम सेल्फ लेंगे तो स्टार्ट नहीं होती। चाबी ऑफ करो, ऑन करो, दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों गाड़ी फिर से बंद हो गई। जैसे हम इसको स्टैंड से उतारते हैं या हिलाते हैं गाड़ी हमारी बंद पड़ जाती है। बार बार इसी तरीके से परेशान कर रही है। अब मैं इसका देखने वाला हूँ फ्यूल पंप को चेक करके, उसकी वायर में करंट चेक करके। आप भी हमेशा ध्यान रखें ऐसी कोई दिक्कत आए वायर में करंट चेक करें। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है इसकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। ये पावर की लाइट जली हुई नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी की लाइट जली हुई होनी चाहिए जो हमारी ग्रीन वाली लाइट है। और दूसरा दोस्तों इसमें अगर फ्यूल पंप में हमारी दिक्कत आ रही है तो उसको फ्लैशिंग करके देखना पड़ता है। ये सॉकेट है टैब लगाने का, इससे फ्लैशिंग होता है। फ्लैशिंग की वीडियो मैं दोबारा बनाऊँगा। फ्लैशिंग में अगर दिक्कत होगी फ्लैशिंग से सही हो जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी कि इस गाड़ी को हम जैसे स्टैंड से उतारते थे तुरंत गाड़ी बंद हो जाती थी। गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी अगर स्टैंड पर खड़ी हुई नहीं हिला रहे हम इसको तो ये गन बंद नहीं होती थी। अगर हमने इसको हिलाया स्टैंड से उतारा तो ये बंद हो जाती है। अब इसका मैंने फ्यूल पम्प चेंज किया है, ये भी प्रिकॉल कंपनी का है और जो लगाया है वो भी प्रिकॉल कंपनी का है। अब क्या है कि हमारी गाड़ी सही चल रही है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि किसी भी तरीके से आप इसको अब हिला लो, किसी भी तरीके से आप अब इसको हिला लो, बंद नहीं हो रही है पहले की तरह जैसे पहले बंद हो जाती थी। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और चेक करनी है इसमें कि आप इसकी बैटरी भी एक बार ज़रूर चेक कर लें और चार्जिंग उसमें कितना आ रहा है एक बार वो भी ज़रूर चेक कर लें। बैटरी के 20 एम्पीयर पे मल्टीमीटर से ले जाके माइनस प्लस वाला बैटरी पे लगा के एक बार ज़रूर चेक कर ले कितनी बैटरी इसकी चार्ज है। पहले भी इतनी थी, पंप की प्रॉब्लम थी वो हमने निकाल दी। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके चार्जिंग दिखाता हूँ इसका कि कितना चार्जिंग दे रही है गाड़ी। ये आप देख सकते हो मैं रेस बढ़ा रहा हूँ इसकी, चार्जिंग भी हमारी सही दे रही है गाड़ी। 14 से ऊपर चार्जिंग जाना चाहिए वो इसका जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।